बेसिकली जो हम लोगों के पास हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है ना कि जब किसी नेक्स्ट कंपनी के लिए हम लोग इंटरव्यूज दे रहे होते हैं तो कितनी परसेंट सैलरी मांगे, अपनी करंट सैलरी के अकॉर्डिंग कितना हाइक मांगे या कितना परसेंट मांगे, तो उसी के बारे में आप डिस्कस करेंगे। दोस्तों बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग करंट कंपनी में वर्किंग होते हैं और किसी नेक्स्ट कंपनी से ऑफर आना होता है, आपने कहीं पे इंटरव्यू वगैरह दिया और नेक्स्ट कंपनी से ऑफर आने वाला होता है, तो उसका कंडीशन में किसी भी दोस्तों होता क्या है, जब हम करंट कंपनी में वर्किंग होते हैं और कोई दूसरी जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो हम लोग इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पर वो पूछते हैं कि सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, मतलब आप कितनी सैलरी लोगे। तो क्या होता है कि कई बार हम लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि सपोज आप अगर 5 लाख पर एनम के पैकेज पे वर्किंग हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि यार 7 लाख मांगे कि 7.5 लाख मांगे कि 8 लाख मांगे कि 6 लाख मांगे, तो ये थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपकी करंट सैलरी है, फॉर सपोज आपकी करंट सैलरी 5 लाख है और 5 लाख में आप मिनिमम 30% तो हाइक मांग ही सकते हो जो कि आपका बनता है, मतलब 5 लाख का 30% आप निकालोगे वॉट एवर जो भी आएगा उसमें, तो उतना आप तो मांग ही सकते हो। इसके बाद आता है आपका 50%, तो आप 50% भी उनको बोल सकते हो कि नहीं हमें 50% चाहिए। 30-50% मोस्टली इस कंपनी ऑन एन एवरेज 70% कंपनी आपको 30-50% हाइक दे देती हैं और बची 30% कंपनी जिसमें 20% कंपनी आपको आपको 30% हाइक देती देती हैं, 25-30% आपको हाइक देती देती हैं और जिसमें बची वो सिर्फ 10% वाली कंपनी वो आपको 100% भी हाइक दे देती हैं कई बार। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यार ये सब बताने का मतलब है कि जब भी आप कहीं सैलरी एक्सपेक्टेशन अपनी रख रहे हो ना, जब भी आप सैलरी मांगो तो हमेशा आप सैलरी अपने से बढ़ा के मांगो, मतलब लगता है कि कंपनी मेरा 50% इतना बन रहा तो और मैं थोड़ा सा बढ़ा के मांगू। आप 50% भी मांग सकते हो, 100% मांग सकते हो, फॉर सपोज आपका 5 लाख का है तो आप 10 लाख भी एक्सपेक्टेड सिटी से अपना रख सकते हो, वहाँ पे 10 लाख भी मांग सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो जो रिक्वायर्ड होता है हम लोग को वो तो वैसे भी नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी इन द लास्ट निगोशिएट आपसे कराती ही कराती हैं और आप 10 लाख 12 लाख भी अगर इनकेस बोलते हो तो वो सीधे पूछते हैं निगोशिएबल है, तो आप उसमें बोल दो कि हाँ ये निगोशिएबल है और जब भी आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा तो कंपनीज आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वो निगोशिएट आपसे करा लेती हैं, आपका इंटरव्यू हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर उनका बजट 7 लाख का तो आपसे बोल देंगे कि मेरा बजट 7 लाख तक का है, आप बता दो आप आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। कई बार दोस्तों होता क्या है, मैं ये किसलिए बता रहा हूँ, कई बार होता क्या है कि कंपनी का बजट सपोज 8 लाख का है और आपने सैलरी 7 लाख रुपये मांगी है, उसमें भी वो निगोशिएट करा लेंगे तो 6.5 लाख आ गया ना। तो कई बार क्या होता है हम लोगों को कंपनी का बजट नहीं पता होता, 8 लाख का होता है, 7 लाख मांग के बैठो तो उसमें भी वो निगोशिएट करा के उतना वो दे देते हैं। तो हमेशा एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो हाई मांगो और अगर उनके जितना बजट होगा इन द लास्ट वो उतनी सैलरी आपको दे देंगे। होप आप समझ गए होंगे कि टोटल प्रोसेस होता कैसे है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।